योगा पुराने समय से ही भारतीय चिकित्सा प्रणाली का अहम हिस्सा रहा है। योगा अपने अंदर की शक्तियों को जगाकर और बुराइयों को जलाकर सब को जानने की साधन है। योगा एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए बिना किसी दवाई के और बिना किसी सर्जरी के लकवे जैसी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या योगा की सहायता से डिप्रेशन से लड़ा जा सकता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। योगा केवल एक फिजिकल एक्टिविटी जैसे सूर्य नमस्कार और कपाल भारती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योगा में ऐसे बहुत से आसन है जो न कि सिर्फ आपके शरीर बल्कि मन को भी स्थिर बनाते हैं। दोस्तों, योगा के कई ऐसे आसन हैं जिसके जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपा अपने डिप्रेस पोटेंशियल को भी पहचान सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन से हैं वो आसन, आइए जानते हैं। चाइल्ड पोज यानी कि शिशु आसन। शिशु आसन में आप अपने घुटने पर बैठकर अपने हाथों को आगे की ओर फैला लेते हैं और जमीन से जोड़ लेते हैं। इसमें आप किसी बच्चे की तरह बैठे जाते हैं। ये आसन हमारे रीढ़ यानी कि तंत्रिकाओं को बहुत ज्यादा आराम देता है और हम अपने दिमाग को स्टेबल कर पाते हैं। अपने माइंड को ऐसे स्टेबल करने के बाद हम अपने ख्यालों को आसानी से रेगुलेट और रिफॉर्म कर सकते हैं। प्लो पोज हलासन। अपने पाँव को अपने सर के ऊपर से पीछे की तरफ कर लीजिए और अपने हाथों को आगे की तरफ रखिए। ये आसन करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये दिमाग को शांत करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। इस दौरान आप जो भी सोचेंगे वो सकारात्मक ही होगा। क्रॉपसी पोज शवासन। इस आसन के दौरान अपने पाँव फैलाकर पीठ के बल लेट जाइए और अपने सांसों पर गौर कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर होना चाहिए, किस तरह से आपकी सांसें आ जा रही हैं। कुछ देर तक ये आसन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका दिमाग केंद्रित हो रहा है। डाउनवर्ड डॉग पोज। इस आसन के दौरान अपने पैरों और हाथों के बल खड़े हो जाइए और अपने शरीर से उल्टे हुए जैसी आकृति बनाइए। इसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ फैलाइए। ऐसे करने के बाद जितनी देर तक हो सके उसी आसन में रहिए। इस दौरान आपका दिमाग काफी शांत होगा और आप फोकस्ड महसूस करेंगे। योगा ब्रिज पोज। इस आसन को करने के लिए पहले अपने पीठ के बल लेट जाइए। इसके बाद अपने पाँव को मोड़े और कमर के ऊपर की तरफ उठाएं। इसके बाद आपका शरीर एक पुल की तरह नजर आएगा, जिसके कारण इस आसन का नाम भी पड़ा है। इसे काफी देर तक करने के बाद आपका माइंड स्टेबल होने लगेगा और आपके विचार लगातार बदलेंगे नहीं और आप एक चीज के बारे में लगातार सोच पाएंगे। दोस्तों, ये सभी आसन डिप्रेशन को दूर करने में काफी ज्यादा कारगर हैं, क्योंकि डिप्रेशन से हमारा दिमाग कुछ भी सोचने की क्षमता खो देता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ख्याल हम पर हावी होने लगते हैं। अगर हम उन्हें सही समय पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी नेगेटिविटी हम पर कभी हावी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।